हेलो दोस्तों, आज हम लोग वृत्त की परिभाषा जानेंगे। वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की परिभाषा जो होती है, किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित स्थित गोलाकार बिंदुओं का पथ जो है, पथ मतलब रास्ता, वृत्त कहलाता है। बिंदुओं का पथ जो है वृत्त कहलाता है। जैसे किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का पथ जो होगा, रास्ता जो होगा, वह वृत्त कहलाता है। तो एक फिक्स बिंदु ले लेंगे, इस बिंदु से एक समान दूरी पर जो है एक सर्कल जो है, एक राउंड खींच सकते हैं हम लोग। इसको जो है क्या कहेंगे, हम वृत्त का केंद्र कहेंगे। और यहाँ से समान दूरी पर होगी, किधर भी जाइएगा, जिधर भी जाइए, ये क्या बनेगा, समान दूरी। इस दूरी को मान लीजिए केंद्र ओ हो गया और यहाँ तक ए हो गया, इसको त्रिज्या बोलेंगे। कहीं भी जाइएगा, बी पर जाइए, सी पर, सब आर आर होगा, रेडियस होगा, ये वृत्त का त्रिज्या होता है। तो वृत्त जो होता है, एक बिंदु से, किसी दिए गए बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का जो होता है पथ होता है, पथ जो है वही जो है वृत्त का ये पथ है। इसी को परिधि भी बोलते हैं। वृत्त की परिधि जो होती है, किनारे किनारे की लंबाई होती है। तो वृत्त की जब भी डिफिनेशन हो तो आप बोल सकते हैं कि किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का पथ जो होगा वो वृत्त कहलाएगा। ये आपका वृत्त हो जाएगा। अब ओ इसका केंद्र हो जाएगा और ओ से ए की दूरी मान लीजिए, इसको त्रिज्या बोलेंगे। तो त्रिज्या का परिभाषा हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। लिखिएगा, वृत्त की परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का व्यास जो होता है, अब वृत्त की त्रिज्या अगर दिखाना हो तो सीधा वृत्त बनाइए, केंद्र लीजिए यहाँ से यहाँ, ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, तो ओ ए जो होगा त्रिज्या हो जाएगा। ओ ए बराबर क्या होगा, आपका रेडियस होगा, त्रिज्या रेडियस, इसको आर से दिखाते हैं, यहाँ आर दिखाएंगे। अब वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। लिखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ये आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास बनाने के लिए आप वृत्त बना दीजिएगा और ये केंद्र हो गया। केंद्र से सबसे बड़ी जीवा जो होगी आपका ओ ए बी, तो ए बी जो होगा व्यास हो जाएगा आपका, ए बी बराबर व्यास। सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना वृत्त में, वो वृत्त का व्यास ही होती है। क्योंकि अगर आप केंद्र से ऊपर बढ़िएगा ना, अगर जीवा खींचेगा तो ये छोटी होती जाएगी, ऑटोमेटिक अपने आप छोटी होती जाएगी, ये छोटा होता जाएगा। और सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो केंद्र से ही होकर जाएगी। तो जो केंद्र से होकर जाती है उस लाइन को हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। तो वृत्त का व्यास होता है। अब इस पर है, इस पर फार्मूला है, इसके किनारे किनारे की लंबाई को वृत्त के किनारे की लंबाई परिधि बोलेंगे, पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो ये सब के लिए भी सूत्र होता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको
दिखाते हैं कि फार्मूला कौन कौन सा, वृत्त पे आधारित फार्मूले जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, उन सभी फार्मूलों को हम लिखेंगे जिससे कि आप इसको याद कर सकें, समझ सकें, और इस पर जो होते हैं जो भी सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।